गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज का दिन शुरू हो चुका है मेरा तो। मैंने नहा वहा के सब पूजा वूजा करके आ गई हूँ। एक्चुअली कल हम लोगों का हरतालिका तीज का फेस्टिवल है, तो उसकी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो उसी में थोड़ा सा बिजी आज का दिन रहेगा और मैं आपसे शेयर करती हूँ आज का दिन। बच्चों ने भी नहा धो के अपना अंश पढ़ाई कर रहे हैं और आद्यांत भी अपनी पेंटिंग में लगे हुए हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो उन्होंने ही बोला है देखिए आज मेरी शॉपिंग करा पाते हैं कि नहीं, अगर नहीं करा पाएंगे लेट हो जाएगा तो वो लेके आएंगे सामान। तो ऐसा ही है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा क्या क्या प्रिपरेशन है और कैसे हम लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये एक्चुअली यूपी बिहार का फेस्टिवल है, हरतालिका तीज। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में होता है, तो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, सुहागिनियों का फेस्टिवल है। और मंदिर तो जाना हो पाता है कि नहीं वो तो कल ही पता चलेगा, और मंदिर ज़रूर जाया जाता है। इस साल देखें मिल पाता है जाने को कि नहीं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, कैसा रहता है मैं आपसे सब शेयर करती हूँ। और मुझे कुछ स्वीट भी बनाना है और आज का कुकिंग भी करना है, तो मैं स्वीट शेयर करूंगी। और चलिए शुरू करते हैं आपके साथ आज का मेरा दिन। ये देखिए ये आ गए घूमते घूमते। कल इनका अद्दू का हेयर कटिंग हुआ है, अंश का भी होने वाला है। ये बहुत एक्साइटेड है, अंश का होगा और अंश भाई रोएंगे और मैं नहीं रोया ना? अंश रोएंगे? ओहो, हेयर कटिंग दिखाओ अपनी। ओ वाव, सी ये तो बहुत अच्छा है बाबू। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। शो नंबर ये देखो सबसे बोलो आपने मेरी हेयर कटिंग की वीडियो देखी कि नहीं कल की? कल रात को हमने हेयर कटिंग कराई थी। हाँ देखा था। ओके चलो मम्मा को काम करने दो, आप खेलू खेलू करो। क्या करते हो आप, पेंटिंग करते हो क्या करते हो? पेंटिंग पसंद है आपको? और पढ़ाई करना, पढ़ाई भी करते हो? ओके। और भाई क्या कर रहा है? भाई होमवर्क कर रहा है। ओके चलो भाई, ये दोनों बदमाशों के साथ मैं आपका आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। क्लोज योर माउथ। यहाँ पे मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल है। और इसको अच्छे से भून लेंगे, कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें। ये देखिए अच्छे से इसको एकदम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको कढ़ाई से निकाल के फिर इसमें खजूर डालेंगे। खजूर को हमने सीड्स निकाल दिए हैं और बस उसको मसल दिया है थोड़ा सा हाथ से ही, और उसको घी में भुनेंगे थोड़ा सा उसको भी। और बहुत ही अच्छा लड्डू बनता है, आप ये रेसिपी देखिए। ये देखिए सारे सीड्स हम लोगों ने खजूर के निकाल दिए हैं। और यहाँ पे डेट्स बहुत अच्छे मिलते भी हैं, इस समय तो सीजन चल रहा है डेट्स का, तो बहुत ही अच्छे। ये प्योर पेड़ वाले हैं, एकदम ताजे हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और
एंड शुगर नहीं है तो प्योर हेल्दी स्वीट आपका बन के तैयार हो गया है और मेरे घर में पसंद है, बच्चों को भी और हम लोगों को भी। कहीं भी जैसे आप गुड़ यूज़ करते हैं तो बहुत लोग शुगर अवॉइड करके गुड़ यूज़ कर लेते हैं, तो ये गुड़ से भी अच्छा हो गया। अच्छे से उसको खूब भून लेंगे, उसको जब हीट होगी ना, जब ये खजूर गर्म होता है तो आराम से मेल्ट हो जाता है। बहुत सारा आपको हाथ से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो पिघलता सा जाता है। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको फ्रिज में रखना होता है 3-4 घंटे के लिए। एकदम ठंडा जब हो जाता है, ये ठंडा ठंडा ही लड्डू बनाते हैं। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को कट कर लिया है, मेरे चॉपर से मैंने इसको पूरा अच्छे से चॉप कर दूंगी और इसको इसमें मिला दूंगी। अभी ये ठंडा हो गया तो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, लेकिन लड्डू बड़े आसानी से बन जाते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा फ्रिज में रखूंगी 3-4 घंटे के लिए आराम से। कोई जल्दी तो है नहीं, यूज़ तो कल करना है, कल प्रसाद में चढ़ाना है मुझे, तो इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। मिक्स करके बहुत ही अच्छा है, देखिए इसको अभी भी लड्डू बना सकते हैं, ऐसे कोई बनाने में मुश्किल नहीं आती। बड़े अच्छे लड्डू बना रहे हो भाई, हलवाई हो गए हो एकदम। ये जल्दी आया था ऑफिस से, आज के हम लोग मंदिर में जाएंगे और सामान खरीदने के लिए, तो मैंने कहा चलो ऊपर चल के थोड़ा चाय वो पी के फिर चलते हैं। तब से आया तो मैंने कहा चलो लड्डू ही बना लेते हैं। लड्डू बनाने के बाद फिर उसको चाय वो पी के फिर हम लोग जाएंगे शाम को। अभी तो ये कहिए कि लड्डू खा रहे थे तो पूरा बनाने की ड्यूटी भी मिल गई है। अभी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कल पूजा होगी उसके बाद, इसलिए मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। मेरी आदत क्या है, मैं खाता रहता हूँ बनाता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा साइड में रख के, तो इसलिए चम्मच स्पून से खाता रहता हूँ, इसलिए मैं खाने का परमिशन नहीं है क्योंकि हम लोग इसको मंदिर में भगवान को अर्पण करेंगे। तो देखिए मैं कैसा लड्डू बना रहा हूँ, आप लोगों को शायद ही पसंद आएगा क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना। ये जो गोल वाले हैं वो मेरे हैं और जो ये वाले हैं ये इन्होंने बनाए हैं। हाँ मेरी कंप्लेन करो सबसे। हाँ मेरे को जो आता मैं वही बना पाऊंगा ना। देखिए ट्राई तो कर रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं चिपक रहा है रसना, पता नहीं कैसे इतना अच्छा अच्छा बनाई है। मेरी मम्मी आप पे खूब हंसती है कैसे लड्डू बनाते हो। एक भी जरा सा भी निकला नहीं, मेरे में सब में रेसे है देखो। और ये रसना का अच्छे लड्डू हैं और कितने जल्दी बन जाते हैं। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत पावरफुल है ये चीज, क्योंकि ये डेट्स है ना, डेट्स जो होता है बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल शुगर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। अरे रहने दो भाई मैं बनाऊंगी, इतने उबड़ खाबड़ लड्डू बन रहे हैं। वैसे इसको ऐसे रख के भी खा सकते हैं स्पून से, चलो उतना रख दो, मंदिर चलते हैं भाई, शॉपिंग कर लेते हैं। ओके तो रेडी। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अभी मंदिर, और इतनी भीड़ थी, थर्सडे इवनिंग थी ना, तो बहुत ज़्यादा वैसे भी सब लोग शॉपिंग के मूड में रहते हैं और गणपति भी आ रही है तो ज़्यादा ही भीड़ थी मंदिर के साइड में। तो उधर गली में बहुत ज़्यादा जाने की भी जगह नहीं थी, सब लोग मूर्ति लेके जा रहे थे। यही थर्सडे और फ्राइडे का है, फिर सैटरडे को तो है ही, तो इसलिए बहुत भीड़ थी। तो मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे तो तीज का सामान चाहिए था, तो चूड़ी बिंदी
सिंदूर ये सब, थोड़ी मिठाई भी ले ली मैंने। वैसे मिठाई तो मैंने घर पे भी बनाई है, सब मिठाइयाँ सारी तरह की यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। ये देखिए मोदक गणपति जी के फेवरेट। हम लोग जिधर रहते हैं वो इंडियन एरिया नहीं है ना, तो जब भी हम लोग इधर मंदिर साइड में जाते हैं तो उस तरफ इंडियन फूड देख के इतना लालच आता है कि बस पानी पूरी, चाट, पकौड़ी ऐसे सब ऐसे मिलता रहता है, जैसे लगता है इंडिया में ही आ गए हैं। तो अभी बच्चों को भी बहुत पसंद आने लगा है पानी पूरी, अंश को, आद्यांत को, तो बस हम लोग बैठ गए। कल फास्ट है तो थोड़ा आज एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं हम लोग। ये देखो अंश को भी बहुत पसंद आने लगा। पहले तो बोलता था अंश बहुत तीखा है, मैं नहीं खाऊंगा, बच्चे उतना तीखा पानी पूरी ये सब खाते भी नहीं, लेकिन अंश को अब बहुत पसंद आने लगा है ये सब। पानी पूरी तो वैसे अच्छा लगता ही है, और अगर कहीं बाहर कंट्री से बाहर रहो और आपको पानी पूरी मिल जाए तो उसका मजा दोगुना हो जाता है। वाओ, अभी मैं घर पे आई तो लेट हो गया था काफ़ी, 10 के लगभग हो गए थे, 10 बज गए थे, और मुझे याद आई कि अरे भाई मेहंदी तो लगी ही नहीं, अभी सारा प्रिपरेशन हो गया, मेहंदी बाकी है। तो तुरंत हम लोग बैठ गए कि मेहंदी लगा लेते हैं। आद्यांत बोल रहे हैं मुझे मेहंदी पहले लगाओ, एक ही कोन था हम लोगों के पास, अभी सब लोग बैठ गए मेहंदी लगाने के लिए। पहले आद्यांत को ये अच्छा नहीं लगता था, ये मम्मा मैं बाल में भी लगा लेती थी कभी, हाथ में भी, तो ये भागता था, मम्मा ये जल्दी धो दो, क्या लगा ली हो। लेकिन अभी इसको समझ में आने लगा है, अभी यही है कि बड़ा होने लगा है तो चीजें सारी समझने लगा है। अभी कितने मजे से मेहंदी लगवा रहा है दोनों हाथों में। इनको मैं बोल रही थी जाओ सो जाओ मैं लगा लूंगी, तो कह रहे नहीं नहीं मैं भी लगाता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। वैसे आती बहुत अच्छे हम दोनों को ही नहीं है, लेकिन मेहंदी तो लगाना बनता है फेस्टिवल्स पे। ये देखिए कितना खुश हो गया आद्यांत। अब देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कल व्रत रखना है, और व्रत रखना होता है तो मुझे पहले से ही घबराहट होने लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा हर बार मेरे साथ होता है। बच्चे बड़े खुश हैं, मेहंदी लगाई जा रही है। फेस्टिवल्स को बच्चे ही सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है, एम लिख दिया और उसके आगे पीछे कुछ भी बना रहे हैं।
ये देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगी है मेरी। लेकिन जो भी है, रात को इतना लेट आने के बाद, थकने के बाद मेहंदी लग तो गई मेरी। मुझे इसी बात की बड़ी खुशी है कि मेरी मेहंदी लग गई है। वैसे तो मैं इससे काफी बेटर लगा सकती थी अपने हाथ से, एक हाथ में तो लगा ही सकती थी, लेकिन इतना जो मजा आया इन लोगों के साथ वो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया। जो लगाना है जैसे लगाना है लगाओ, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी अंश बोल रहे हैं मुझे भी मम्मी दे दो, मैं भी लगाऊंगा। ये देखिए मेरे दूसरा हाथ भी शुरू हो गया है, एक हाथ में लग भी गया। ये अंश को मिल गया, लो भाई तुम भी थोड़ा हाथ साफ कर लो। बहुत मजा आया भाई सबको मेहंदी लगा के, सब लोगों ने हाथ साफ कर लिए हैं। आद्यांत ने तो उसके बाद जाके तुरंत हाथ धो भी लिए हैं, लेकिन कलर बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छी मेहंदी थी। हेलो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, मेहंदी लग चुकी है मेरी, और इसमें आप नाम देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है। वाओ, नाम के ये हर साल ऐसी ही लगती है। नहीं, नाम के अलावा साल में दो बार लगती है, ऐसी ही लगती नहीं, नाम है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी मैं उठ के मुँह धो के वही नहाऊंगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। दोनों लोग, हम लोग उठ के सुबह चाय पीते हैं, और थोड़ा वो देसी गुड़ जो होता है, देसी गुड़ वो खाते हैं, और कुछ केला या मिठाई ऐसा कुछ खा लेते हैं। वैसा कुछ बनाते तो नहीं है, क्योंकि पूरे दिन फिर निर्जल व्रत रखना होता है, तो सुबह का मुझे खाना ज़रूरी होता है, और हस्बैंड भी हैं तो उनके लिए भी कुछ खा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन बिना पानी के बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो बस यही है मेरा ये वाला ब्लॉग। और देखिए आगे, मैं अगले ब्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ, अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी यही कुछ खा पी के हम लोग सो जाएंगे, फिर दिन भर तो फास्ट ही रहता है। तो देखते हैं फिर आज का दिन कैसा रहता है, शुरू करते हैं। फिर अगले ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए मेरे वीडियोस पे, और उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है आगे। अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, अभी थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम है, अभी मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय।